कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नौजवानों को रोजगार के अवसर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, पर मान लीजिए आपका वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देश में बनेगा कि नहीं बनेगा, अगर आप दुनिया के बराबर खड़े होना चाहते हैं तो कम से कम आपकी ग्रोथ और कम से कम देश का इंफ्रास्ट्रक्चर तो हो। कम से कम बीजेपी के 5 साल की सरकार और उत्तर प्रदेश के 2 साल की सरकार ने वो रिजल्ट नहीं दिए हैं, इसलिए व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, मुद्दे इंपॉर्टेंट होंगे हमारे लिए। आपकी सोच है, अगर आप प्रधानमंत्री बन जाएं तो हो सकता है आप इस सोच को लागू करेंगे, पर आप जो सोच बता रहे हैं, जो मुद्दे बता रहे हैं, मान लीजिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएं, ममता बनर्जी बन जाएं, मायावती बन जाएं, आप कैसे इंश्योर करेंगे कि जो आप कह रहे हैं वो ये काम करेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर मायावती बन गई तो इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, किसानों के अच्छे दिन आ जाएंगे, बाकी लोगों के अच्छे दिन आ जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री तो वो है। एक चीज तो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी, इसमें से कई लीडर्स जिनका आप नाम ले रहे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं एग्जेम्पलरी वर्क किया है। अगर हम ममता जी का देखें तो कहीं ना कहीं उन्होंने काम किया, इसीलिए तो रिपीट हो रही है वो, उनका कुछ ना कुछ अच्छा काम है और उन्होंने बेहतरीन काम किए वहाँ पे। मान लीजिए हम तेलंगाना स्टेट का ले लें, वहाँ के मुख्यमंत्री ने कम से कम एक दूसरा मैप, रोड मैप तैयार किया है, एग्जेम्पलरी वर्क है। चंद्रबाबू नायडू जी के पास एग्जेम्पलरी वर्क है। आप बताइए कि एक्सप्रेस वे जो यूपी में है, बहुजन समाज पार्टी मायावती जी ने बनाया और समाजवादी सरकार ने बनाया, इतना बड़ा एक्सप्रेस वे देश में कहीं हो तो बता दीजिए आप। तो इन लीडर्स के पास कम से कम काम तो है, एग्जेम्पलरी वर्क है। अब याद कीजिए बीजेपी सरकार का शुरुआती सबसे पहला मुख्यमंत्रियों की बैठक, उसमें बीजेपी सरकार ने यह कहा कि मुख्यमंत्रियों के सब इशू खत्म हो जाएंगे, कोई इशू खत्म नहीं हुआ। आप देखिए, आशा कार्यकर्ता हैं, आंगनवाड़ी हैं, रोजगार सेवक हैं, ये तमाम उलझने पैदा की गई हैं केंद्र सरकार की और सर मर दिया गया प्रदेश सरकारों पर। शिक्षा मित्र बनाए किसी ने, हमने मदद की, लेकिन क्या हो गया उनके साथ? तो ये जो इश्यूज हैं ये हर मुख्यमंत्री के सामने हैं, क्योंकि ये बात कही गई थी बीजेपी की सरकार में कि मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री हैं तो वो मुख्यमंत्री की समस्याएं समझते हैं, लेकिन 5 बजटों के बाद भी समाधान नहीं हुआ। क्या समाधान हुआ? आज भी वही है, शिक्षा मित्र हर जगह आंदोलन कर रहे हैं, रोजगार सेवक हर जगह आंदोलन कर रहे हैं, आंगनवाड़ी हर जगह आंदोलन कर रहे हैं। आप हेल्थ सिस्टम बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या दिया आपने हेल्थ के लिए? आप स्टेट्स को क्या हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं? जो मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में बन रहे थे, इस बार एमसीआई से वो